हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में आप देखोगे 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में जो कि लॉन्च होने वाली है इंडिया में। नंबर 1, टाटा अल्ट्रोस ईवी। बात करते हैं टाटा अल्ट्रोस ईवी की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो इस कार का एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अराउंड सितंबर 2020 और एक्सपेक्टेड प्राइस 14 लाख के रेंज में हमें इंडियन मार्केट में देखने मिलेगा। नंबर 2 पर है रेनॉल्ट ज़ोए। रेनॉल्ट ज़ोए का एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस की बात की जाए तो ये कार हमें इंडिया मार्केट में अराउंड दिसंबर 2020 में देखने मिलेगी। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख के रेंज में होगा। नंबर 3 पर है टाटा टियागो ईवी। जानते हैं टाटा टियागो ईवी का एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। तो टाटा टियागो ईवी हमें इंडिया मार्केट में अराउंड अगस्त 2020 में देखने मिलेगा और इसके एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख के रेंज में होगा। नंबर 4 पर है मारुति वैगनर इलेक्ट्रिक। बात करते हैं मारुति वैगनर इलेक्ट्रिक का एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो ये कार हमें इंडिया मार्केट में एक्सपेक्टेड अराउंड मई 2020 में देखने मिलेगी। इसका प्राइस 8 लाख रुपीज के रेंज में होगा। नंबर 5 पर है महिंद्रा XUV 300 इलेक्ट्रिक। महिंद्रा ने इस साल 2019 में अपनी महिंद्रा XUV 300 को लॉन्च किया था और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर 2020 में यह इलेक्ट्रिक वेरिएंट लाएगी उसका। तो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस की बात की जाए तो ये कार हमें सितंबर 2020 के अराउंड देखने मिल सकती है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 18 लाख होगा। नंबर 6, निसान नोट ई पावर। बात करते हैं निसान नोट ई पावर की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो ये कार हमें इंडिया मार्केट में अराउंड मार्च 2020 में देखने मिलेगी और इसके एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख रुपीज़ के रेंज में होगा।